ऐसे सिर्फ हाँ तो वो बहुत खतरनाक है, तो मैं नहीं जा पाऊंगा क्या? बाइक निकल जाएगी, बाइक निकल जाएगी। ओके ओके सिट 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 ओ हो हो पीछे जाओ बस बस जूतों के अंदर में पानी चला गया, तो जूते को ना यहाँ पे ये खोल करके रख दिया और मोजे को यहाँ पे फोग लैंप पे लगा दिया। एक बात तो मैं आज समझ गया कि नेचर को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। तू अपने साथ रहना यार, साथ मत छोड़ना, कहीं कुछ खराब वराब मत हो जाना भाई प्लीज। मेरे को ना लाइफ में एक बार ना ऐसे स्नो के ऊपर में बाइक चलानी है, स्नो चेन बांध करके। A few moments later. बिना स्टैंड के अपनी बाइक यहाँ पे देखो स्नो में खड़ी है। ओ माय गॉड, बल्ले बल्ले सावा सावा, ये चेक करो। स्नो में बाइक बस इतनी ही चलती है, उसके बाद अटक जाती है। एक्चुअली अपना रास्ता इधर से है, थोड़ा सा फन करने के लिए मैं इधर बर्फ में चला गया था। पावर ड्रॉप हो रहा है बहुत भाई, पूरा एक्सलेटर घुमा रहा हूँ, ये देखो फिर भी नहीं निकल रही है। तुम हमेशा लेट से काम करता है भाई, पूरा पैर के अंदर पूरा पानी चला गया। ये 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 बर्फ, ओ ओ व्हाइट थार, नाइस लुक यार। व्हाइट थार बहुत कम ही देखने को मिलता है। इस तरह के रास्तों पे ना राइड करने के लिए जिगरा होना चाहिए। आजकल हर 2 साल का बंदा अपने आप को राइडर कहता है, लेकिन एक बात सच बताओ तो भाई, स्पोर्ट्स बाइक लेकर के यहाँ पे आना, जान का खतरा लेकर के यहाँ पे आना है भाई। सिर्फ बाइक लेकर के हूँ करने से कोई राइडर नहीं बन जाता मेरे भाई। ये स्पीति क्या है ना, थोड़ा ऑर्बिट प्लेस हो जाता है, तो यहाँ के रोड्स अभी भी खराब है। ये चेक करो कितना भयंकर नाला है भाई। क्या बोलते हो, क्रॉस कर पाओगे? कहाँ से हो? अरे अरे बहुत सही बहुत सही भाई। कोई नूब अगर यहाँ आ गया ना तो पूरी गाड़ी सहमत नीचे जाएगी। चले चलो, बहुत ज्यादा प्रेशर है। क्या हो गया भैया, क्या हो गया, लग गया क्या? ओ आराम से आराम से भाई। डर तो लग रहा है, बट क्या है ना, पीछे चार चार बाइक खड़ी है, अगर मैं नहीं गया तो कोई नहीं जाएंगे भाई। रिस्क तो एक बंदे को लेना ही पड़ेगा। RS 200 का ग्राउंड क्लियरेंस ना बहुत कम है, बाइक फंस सकती है, बाइक नीचे भी जा सकती है। पूरा रिस्क लेके जा रहा हूँ। लेफ्ट में खड़े रहना बस, भाभी सामने जाओ, यहाँ से निकल जाएगी ना, बस लेफ्ट में खड़े रहना, मेरा बहुत स्कीट मारता है। अच्छा अच्छा पकड़ना फिर। ओके ओके चलो भाभी भैया, ठेलो ठेलो, अटक गई। सिट, उठाना, पूरा टूट गया यार इधर। क्या हो गया, बस रहने दो यहीं पे। ओ यार पूरी टूट गई, सेट मिरर भी टूट गया। हाँ चलो चलो चलो, जय माता दी, निकलो। भाई पैर पूरी सूज गई, निकल गई भाई, पैर काम नहीं कर रहा। बहुत सारी चीजें जानने को मिलती है भाई, नए नए लोग मिलते हैं। आप जितना ज्यादा लाइफ में स्ट्रगल करोगे ना, आप उतना ही ऊंचा जाओगे। आप लोगों को वीडियोस में देख करके लग रहा होगा बंदा तो अच्छा कमा रहा है, अच्छा घूम रहा है यार, नई नई बाइक खरीद रहा है, अच्छे से मौज कर रहा है, जगह जगह घूम रहा है, बट भाई मेरा फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है, मेरे ऊपर कितने सारे लोन चल रहे हैं, कितने सारे EMI में मंथली पे कर रहा हूँ, ये सिर्फ मेरे को ही पता है। अभी अपना स्ट्रगल करने का टाइम है, एक दिन जरूर आएगा जब अपना भी सितारा चमकेगा। नहीं हो पाएगा, पूरा बंद है, ओ बाइक खराब हो जाएगी। सेट ओह
सर ये तो खत्म है। इतने सारे बंदे मिल करके इसको भी निकाल रहे, पता नहीं निकलेगी कि दूर तक। देखो यहाँ पे लाइन लग चुकी है पूरा दूर तक। रात के 7:30 बज रहे हैं और बस हाफ एन आवर इसके बाद पूरा गंगोर अंधेरा हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद ना इधर का ना इधर का भाई। 2000 years later. कुछ बंदे स्विफ्ट को पीछे कर रहे हैं और यहाँ पे कुछ बंदे ना नदी को डाइवर्ट करने का कोशिश कर रहे हैं, पूरा नदी में पत्थर वत्थर फेंक रहे हैं। ओ भाई साहब भी 4x4 है, सब निकल जा रही है। देखो इसकी ना सिर्फ सामने वाली व्हील घूम रही है, पीछे वाली व्हील देख सकते हो नहीं घूम रही है। जिन गाड़ियों में भाई सामने वाली व्हील और पीछे वाली व्हील दोनों व्हील में पावर है ना, बट बॉडी में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची है। रात को हम लोगों ने कुछ नहीं खाया, शाम को जो चाचा चाची ढाबा पे एक थोड़ा सा राइस और राजमा खाया था वही, उसके बाद हम लोगों ने कुछ नहीं खाया। रात को ये लोग बोल रहे थे कि मैगी वैगी बनाएंगे भाई, बट यहाँ पे गैस की कोई व्यवस्था नहीं थी। एक बार में निकली, थैंक यू यार टेंट में जगह देने के लिए। चलो आ रहे हैं। अच्छा गलत जा रहा हूँ। नींद पूरी नहीं हुई ना आपको हम लोग। अभी मैं चेक कर पा रहा हूँ मेरे GoPro का ना पूरा बैटरी ड्रेन हो चुका है, अभी 3% पे ये बैटरी है, कभी भी ये ऑफ हो जाएगा। फाइनली हमारे राइड सुबह के 6 बजे तो स्टार्ट हुई, वरना हमारा राइड डेली दोपहर के 12-1-2 बजे ही स्टार्ट होते हैं। तो अभी सुबह के 9 बज रहे हो और पीछे मेरे अटल टनल में इस तरफ से हम लोग